Hello students, welcome in bio class. Okay, today we are going to start a new chapter, human health and disease. You know very well what is health. Health is the physical and mental fitness of the body. यानी कि अगर कोई person physically or mentally fit है, तो it means वो healthy है. ठीक है? अब healthy person जो होगी या जो health होती है, that is affected by some factors. कुछ ऐसे factors होते हैं जिनसे health affect होती है. जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स. जेनेटिक डिसऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ बच्चे में आते हैं, जिनकी वजह से बच्चे में बाय बर्थ कुछ डिफेक्ट्स होते हैं या कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं. तो ये डिफेक्ट एंड डिसऑर्डर्स बाय बर्थ होंगे. इसके बाद होता है इन्फेक्शन. इन्फेक्शन मे बी फ्रॉम सराउंडिंग्स, उसके सराउंडिंग से भी उसको कुछ इन्फेक्शन मिल सकता है पर्सन को, और कुछ एटमोसफेयर से भी होता है. तो एक तरह से उसको जो भी इन्फेक्शन उसके अंदर पहुंचेगा, दैट इज. एंड थर्ड वन इज लाइफ स्टाइल. हर पर्सन का लाइफ स्टाइल, हर चाइल्ड का लाइफ स्टाइल बिल्कुल सेपरेट होता है. तो लाइफ स्टाइल ऑल्सो अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पर्सन. ओके, नाउ वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट डिजीज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजीज? अभी हमने देखा था मेंटली या फिजिकली जो फिट है दैट इज हेल्थ. तो अगर मेंटली या फिजिकली फिट नहीं है, इट मीन्स इफ द फिटनेस इज डिस्टर्ब दैट इज डिजीज. तो इसका मतलब उस पर्सन में कुछ डिजीज है. और डिजीज जो होती है वो टू टाइप्स की हो सकती है. एक होती है इन्फेक्शियस और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस. अब इन्फेक्शियस डिजीज में क्या होगा? इन्फेक्शियस डिजीज विल बी ट्रांसमिट फ्रॉम अ सफरिंग पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. अगर वो एक सफरिंग पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो रही है तो वो हो जाती है इन्फेक्शियस डिजीज. ठीक. और इसके बाद नॉन इन्फेक्शियस. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज मीन्स इफ इट इज नॉट ट्रांसमिटिंग फ्रॉम अ सफरिंग पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. तो इन्फेक्शियस डिजीज सबसे कॉमन होती है कॉमन कोल्ड. एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज लाइक कैंसर, इट इज नॉट ट्रांसमिटिंग फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन टू फ्रॉम अ नॉन अफेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. Okay, now we will discuss about some common diseases. Common disease means कि कुछ ऐसे common diseases जो bacteria या algae या fungus या virus ये protozoans से होती हो. इस तरह की कुछ common disease के बारे में अब हम पढ़ेंगे. ठीक. Like first of all some common diseases. In this category we will discuss about some bacterial disease first of all. First of all, we will talk about typhoid. Typhoid is a common disease and it is spread through the bacteria. So the bacteria hota hai, that is Salmonella typhi. Salmonella typhi is the bacteria which is responsible for typhoid disease. Now, what are the sources of typhoid? Mainly typhoid disease jo hoti hai, कंटेमिनेटेड वाटर या कंटेमिनेटेड फूड से होती है. जब ये सैल्मोनेला टाइपी बैक्टीरिया बाय एनी सोर्स इट विल रीच टू द वाटर एंड फूड, खाने तक और वाटर तक ये पहुंच जाता है. और वही इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर जब किसी पर्सन की फूड हैबिट में मिक्स हो जाता है या वो किसी भी तरह से उसका इनटेक कर लेता है, तो देन दैट पर्सन विल बी सफर्ड बाय द टाइफाइड. तब वो पर्सन टाइफाइड से सफर हो जाता है. टाइफाइड का जो मेन सिम्टम होता है जिससे कि पता चलता है कि ये किस तरह से कि उसको टाइफाइड है, वो मेन सिम्टम होता है फीवर. ठीक. फीवर के साथ साथ उसको हेडेक भी होगा, उसको स्टमक भी होगा, कुछ केसेस में उसमें उसको लूज मोशंस भी होते हैं, और कुछ उसमें लॉस ऑफ द वाटर होता है फ्रॉम द बॉडी. ठीक. अब उसको फीवर भी है, उसको हेडेक भी है, उसको स्टमक भी है, इन सब चीजों में. अब फीवर कई तरीके से हो सकता है बॉडी में. ये जरूरी नहीं है कि जब भी फीवर है वो टाइफाइड ही है. तो इसके लिए फिर कोई टेस्ट होते हैं. तो वी कैन यूज वन टेस्ट इज देयर दैट इज नोन एज वाइडल टेस्ट. दिस वाइडल टेस्ट इज फॉर टाइफाइड. जब इसका टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो इट मीन दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड फीवर. ठीक. फिर इसका रेगुलर इसके ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो जाता है. बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि अगर कोई सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है तो इस सीरम इन्फेक्शन के केसेस में उसमें डेथ भी हो सकती है, पर ऐसा बहुत कम केसेस में होता है.
और वो अनोइंगली भी होता है कि अगर वो पर्सन अनोइंगली है कि उसको पता नहीं है या वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, उनके असर में ऐसा हो जाता है। ठीक हो गया? तो टाइफाइड आपके समझ में आ गया, दिस इज बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है दैट इज कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ही बॉडी में इंफेक्शन फैल जाता है। ठीक, इसके बाद सेकेंड बैक्टीरियल डिजीज जो कि काफी कॉमन है वो भी, दैट इज न्यूमोनिया। न्यूमोनिया इज कॉज्ड बाय अनदर बैक्टीरिया दैट इज साल्मोनेला स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया। न्यूमोनिया, दिस इज द नेम ऑफ डिजीज and the bacteria that is responsible for it, that is Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae, this is the bacteria. अब ये किसको इफेक्ट करेगा? Streptococcus pneumoniae bacteria जो होता है जब ये body में enter होगा तो it will affect the lungs. Lungs को सबसे पहले इफेक्ट करेगा। लंग्स के साथ साथ फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक होगा, ये किसी भी तरह से जब रेस्पिरेटरी ट्रैक तक पहुंच जाएगा तो रेस्पिरेटरी ट्रैक को और उसको इम्पैक्ट करेगा लंग्स को। उसके बाद लंग्स में जो एल्वियोलाई होते हैं सबसे ज्यादा वहां इन्फेक्शन, इसका इन्फेक्शन इफेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज कि व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये किस तरह से इन्फेक्शन फैलता है, ये भी रेस्पिरेशन के थ्रू भी फैलता है और वही कंटेमिनेटेड सब्सटेंसेस के थ्रू भी फैल जाता है। ओके, अब इसके सीवियर जो सिम्टम्स आएंगे, व्हाट आर द मेन सिम्टम्स? अब आप देखिए जो भी रेस्पिरेटरी डिजीज होगी, जो भी डिजीज रेस्पिरेटरी होगी, जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को, लंग्स को या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करेगी, ये इतना अंडरस्टूड है कि जब उसमें इस तरह का कोई इन्फेक्शन होगा तो उस पर्सन को या तो बहुत ज्यादा शिवरिंग होगी, उसे ठंड लगेगी, या उसको खांसी होगी, या उसको जुकाम हो जाएगा, कोल्ड टाइप का होगा, उसे कफिंग होगी, स्नीजिंग होगी, इस तरह के उसके इन्फेक्शन इसमें मेनली ये वाले सिम्टम्स उसके दिखाई देते हैं जिससे पता चल जाता है इसकी ये वाली सिम्टम। ओके, देन इसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट, जो भी इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है उसके बाद ये इजिली क्योरेबल होती है, ऐसा नहीं है कि क्योरेबल नहीं होती। किसी भी पर्सन को जिसको कि न्यूमोनिया है, अगर वो स्नीजिंग कर रहा है तो उसके माइक्रो ड्रॉपलेट्स जो एयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, दोज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज, उसकी वजह से भी डिजीज एक इन्फेक्टेड नॉन इन्फेक्टेड पर्सन तक ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक हो गया, तो इसके सिम्टम्स में फिर वही आ जाते हैं कि इसको स्नीजिंग कफिंग वगैरह आ जाएगी, आप लिख सकते हैं जैसे कफ हो गया उसको, या कोल्ड है उसको, या शिवरिंग वगैरह है, इस तरह उसके सिम्टम्स। तो दीज आर दी टू बैक्टीरियल डिजीज, फर्स्ट वन इज टाइफॉइड एंड सेकेंड वन इज न्यूमोनिया। अगेन आई कैन रिपीट, टाइफॉइड आपको मैंने बता दिया साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से है, और न्यूमोनिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया से, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होती है। दीज अबाउट टोटल अबाउट द बैक्टीरियल डिजीज। ठीक, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वन प्रोटोजोनस डिजीज, डिजीज दैट विल हैपन दैट विल कॉज बाय द प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन से होने वाली बहुत सारी डिजीजेस हैं जो ह्यूमन बींग्स में होती हैं, बहुत से ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डिजीज कॉजिंग होते हैं। इसमें से जो मोस्ट कॉमन है, जो कि सबसे ज्यादा आजकल आप जिसके बारे में सुनते हैं, वो होता है मलेरिया। मलेरिया आपने सुना होगा, हर साल बहुत सारे पर्सन होते हैं जो मलेरिया से जिनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो मलेरिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोटोजोन दैट इज प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम इज ए प्रोटोजोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया। अब इसको एक स्पेशल चीज इसके लिए आती है कि प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल होता है वो टू होस्ट में कंप्लीट होता है, एक तो होता है एनोफेलिस मॉस्किटो एंड थर्ड वन इज ह्यूमन बींग। एनोफेलिस मॉस्किटो से ये ह्यूमन बीइंग में आता है, फिर ह्यूमन बीइंग से इसकी एक स्टेज वापस एनोफेलिस में जाती है, यही डिटेल हम अभी पढ़ेंगे इसकी किस तरह से होती है। तो जब भी कोई फीमेल एनोफेलिस
किसी इन्फेक्टेड पर्सन को जिसको कि मलेरिया है, जब उसको बाइट करती है तो उसकी बॉडी में ह्यूमन बींग्स से स्पोरोजोइट्स जो होते हैं, प्लाज्मोडियम के जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो एनोफिलीज मॉस्किटो में पहुंच जाते हैं। ठीक, इसका जो लाइफ साइकिल टू होस्ट में कंप्लीट होता है तो उसकी पहले हमें डिटेल समझनी पड़ेगी कि किस तरह से होता है। जब भी कोई मॉस्किटो ह्यूमन बींग को बाइट करता है, ठीक है, यहाँ पे मॉस्किटो बाइट आएगी तो सबसे पहले वो उनकी लीवर सेल्स पे अटैक करता है। अभी जो लीवर सेल्स होती है इनमें जाके जिसने स्पोरोजोइट स्टेज इसमें पहुंची थी, यहाँ पे पहुंच के ये मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई होने का मतलब हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जिससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, फिर ये वहां पर इसके सेल बस्ट हो जाएंगी, फिर ये इसके बाद इन्फेक्ट करेंगे आरबीसीज को, फिर आरबीसीज में भी इसी तरह से होगा, ये मल्टीप्लाई भी होगी, फिर आरबीसीज बस्ट हो जाएंगी। ठीक, इसकी वजह से इन्फेक्शन जो होता है ब्लड में आ जाएगा और कुछ इसमें से इन्फेक्शन वापस दूसरे आरबीसीज में पहुंचेगा। यहां पर अबकी बार सेक्शुअली रिप्रोड्यूस होंगे, यहां पर अभी तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा था तो इसके बाद अब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो जाएगा। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने के बाद दे विल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। हियर मेल गैमेट्स एंड हियर फीमेल गैमेट्स। अब ये मेल और फीमेल गैमेट्स ये पहुंचेंगे मॉस्किटो में। अब जब मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा तो उसके बाइट से ये अब पहुंच जाएंगे इसमें मॉस्किटो में। ठीक, यहां पहुंच के पहले तो ये इसके इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे, यहां पहुंच के फिर ये दोबारा से अपने डिवाइड होंगे, ग्रो करेंगे। अब ग्रो होने के बाद अब ये यहाँ पे पहले इनका फ्यूजन होगा, दोनों का फ्यूजन होकर जाइगोट बन जाएगा, फिर वो जाइगोट वहां पे डेवलप करेगा। डेवलप होने के बाद वो डेवलप करेगा स्पोरोजोइट्स, वही स्पोरोजोइट्स अब इसकी सलाइवरी ग्लैंड्स में आ जाएंगे। ठीक, यहां से जब ये कोई भी मॉस्किटो बाइट करेगा ह्यूमन बींग को, ये बाइट इन ह्यूमन, तो अब ये जो यहाँ पे स्पोरोजोइट्स थे ये स्पोरोजोइट्स अब मॉस्किटो बाइट के थ्रू ह्यूमन बींग्स में पहुंच जाएंगे। ह्यूमन बींग में सबसे पहले लीवर सेल में पहुंचे, लीवर सेल में पहुंच के ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे, आफ्टर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस दे विल मल्टीप्लाई एंड देन दे इन्फेक्ट द आरबीसीज, फिर आरबीसीज में मल्टीप्लाई होंगे, फिर वहां पर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां पर फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे एंड दे रिप्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमेट्स। तो जब ये आरबीसीज को इन्फेक्ट करते हैं यहां पे आके, जब ये आरबीसीज बस्ट होती है तो उस टाइम ये ह्यूमन के ब्लड में एक केमिकल रिलीज करते हैं। उस केमिकल का क्या इफेक्ट पड़ता है, उस केमिकल का ये इफेक्ट पड़ता है कि जो आपने देखा होगा जिस किसी को भी मलेरिया होता है उसके उसमें शिवरिंग स्टेज, स्वेटिंग स्टेज एंड देन वॉर्म स्टेज आती है, वो इसी वजह इसी का इफेक्ट है कि जैसे ये केमिकल उसकी बॉडी में पहुंचता है उसकी शिवरिंग स्टार्ट होती है। शिवरिंग का मतलब होता है ठंड लगना, ठीक, उसको कपकपी आने लग जाती है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है जिससे उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है, और उसके बाद उसकी यही वाली स्टेजेस उसकी पूरे दिन में 2 से 3 बार रिपीट होती है। तो यही इसकी आइडेंटिफिकेशन है, इसका मेन सिम्टम ही यही है कि इसको बहुत ज्यादा गर्मी लगनी है, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होना है, उसके बाद स्वेटिंग होनी है, उसके बाद शिवरिंग होनी है, यही स्टेजेस उसकी बार बार चलती रहती है। क्लियर दिस थिंग? तो ये है प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। तो ये दो होस्ट में कंप्लीट होता है, फर्स्ट वन एनोफिलीज मॉस्किटो एंड सेकेंड वन ह्यूमन। ह्यूमन बींग में ये एनोफिलीज मॉस्किटो से ही आएगा। जब कोई एनोफिलीज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो वेन इट विल बाइट एनी इन्फेक्टेड पर्सन दैट इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, तो जब उसको बाइट करेगी वो लीवर सेल्स में पहुंचेंगे, वहां पहुंचकर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो जाएगा। यही लाइफ साइकिल इसका रोटेट होता रहता है जिसकी वजह से ये इंसानों में प्लाज्मोडियम जो होता है ट्रांसमिट होता रहता है। क्लियर दिस थिंग? इसका वैसे कोई वैक्सीन अभी तक नहीं है। क्लियर दिस थिंग? तो ये इसीलिए काफी इसकी वजह से जो होते हैं मॉर्टेलिटी भी रहती है, बहुत ज्यादा डेथ रेट भी रहता है, वो मोस्टली उन लोगों का होता है जो इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लेता है। बहुत लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि फीवर है, कोई भी फीवर होगा अब वो कोई भी मेडिसिन नहीं लेता है, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें प्रॉपर मेडिसिन लेनी होती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना होता है, प्रॉपर ब्लड टेस्टिंग होती है,
जब ब्लड टेस्टिंग में ये आइडेंटिफाई जाता है कि हाँ ये केस मलेरिया हो, देन दे हैव टू टेक ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट। क्लियर दिस थिंग? ये हो गया प्लाज्मोडियम। ये आ गया इसका प्रोटोजोन का लाइफ साइकिल पूरा कि किस तरह से होता है। इसी तरह से इसमें एक और डिजीज होती है प्रोटोजोन से ही, दैट इज एमीबाइसिस। एमीबाइसिस क्या है? ये डिसेंट्री होती है। ये एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, एक अमीबा की एक स्पीशीज होती है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। इससे इंफेक्शन से जो फैलना है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जो ये प्रोटोजोन है, दिस इज आल्सो प्रोटोजोन, तो ये प्रोटोजोन जो ह्यूमन बीइंग्स में आता है, ये वाटर के थ्रू आता है, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू, अगेन ठीक। इससे जो डिसेंट्री होती है, दैट इज नोन एज अमीबाइसिस एंड अमीबाइटिक डिसेंट्री भी कह देते हैं इसको। इसका जो मेन सिम्टम होता है वो वही है, एब्डोमिनल पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, लूज मोशंस होंगी, स्टॉक में क्रैम्स होंगे, ये इसके मेनली सिम्टम्स होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि ये इसमें फैल रहा है। मेनली इसमें हाउस फ्लाई होती है जो इसका करियर होती है, जो इसको ट्रांसमिट करती है, या इसकी ये कह सकते हैं आप कि इसको फूड में कंटामिनेटेड फूड जो होता है वो हाउस फ्लाई की वजह से ही करता है। तो इस तरह से ये इन्फेक्शन पर्सन टू पर्सन फैल जाएगा, जहाँ जहाँ वो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर ट्रांसमिट होगा वहाँ पर ये वाला एंटामीबा भी ट्रांसमिट हो जाता है। क्लियर दिस थिंग? तो इस तरह से हमने दो बैक्टीरियल डिजीज एंड दो ये प्रोटोजोअल डिजीज हमारी कंप्लीट होती है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वन फंगल इन्फेक्शन। अब फंगल इन्फेक्शन से क्या मतलब होता है? ये कुछ वॉर्म्स होते हैं जिनकी वजह से डिजीजेस फैलती है, ठीक। कुछ वॉर्म्स तो इस तरह के होते हैं कि जो स्किन इन्फेक्शन फैलाते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन फैलाते हैं, ठीक है। और कुछ वॉर्म्स भी होते हैं, दे आर नॉट फंगस, वो फंगस नहीं है, वो प्रॉपर वॉर्म्स होते हैं जिनकी वजह से डिफरेंट डिजीजेस हो जाती है। अब अगर हम बात करें रिंग वॉर्म की, जो एक रिंग वॉर्म डिजीज होती है, रिंग वॉर्म में क्या होता है डिजीज में, एक छोटा सा इस तरह से डिजीज स्टार्ट होती है और धीरे 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 वो सर्कल के फॉर्म में बढ़ती चली जाती है ऐसा। तो जो इन्फेक्शन होता है वो धीरे 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 बॉडी में इस तरह से एक सर्कल के फॉर्म में इंक्रीज होता जाता है, ये स्किन पर होता है जनरली। तो ये रिंग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जहां जहां पे ये रिंग बढ़ता जा रहा है वो उसका इन्फेक्टेड पोर्शन होता है। इन्फेक्टेड पोर्शन का मतलब कि जहां पर वो इन्फेक्शन हुआ स्किन में स्पेशली होता है ये वाला इन्फेक्शन, ठीक। तो वो फंगी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, दैट इज ट्राइकोफाइटम, ट्राइकोफाइटम होती है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें वही है क्योंकि इन्फेक्शन डिजीज है तो पर्सन टू पर्सन इट विल ट्रांसमिट, यानी अगर किसी भी पर्सन से इन्फेक्टेड पोर्शन को टच भी करता है, सपोज किसी की स्किन पे रिंग वॉर्म है और वो उसके इन्फेक्टेड पोर्शन को टच कर रहा है, तो टच करने से भी वो उस पर्सन के स्किन तक ट्रांसमिट हो जाता है। क्लियर दिस थिंग? ये होता है रिंग जो कि स्पीडली इस तरह से ट्रांसमिट हो जाता है। क्लियर दिस थिंग? अब ये हमारा डिजीज वाला पोर्शन है जिसमें कि हमने इन्फेक्शन डिजीजेस के बारे में पढ़ा था, ये वाला पोर्शन हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ठीक। इन दिस सेगमेंट वी हैव लर्न अबाउट टू बैक्टीरियल डिजीजेस एंड टू प्रोटोजोअन डिजीजेस एंड वन वॉर्म डिजीज, दैट इज फंगल डिजीज। ओके, दिस इज टोटल अबाउट दिस पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक्स वी विल टेक इन नेक्स्ट पार्ट। ओके, बाय।